Welcome to my channel Sudipta Malaka Blogs. Hope you are doing fine and enjoying my various videos and shorts. Requesting you to kindly like, subscribe, click the bell icon to get the notification, comment and share my all the shorts and videos. Mondura Ashakuri Apnara Shabai Bhalovachen Ebong Amate channel shop video ebong shorts dekchen. Apnader onurodh korbo. যে আমাদের চ্যানেলটিকে আপনারা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করুন সব নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম। হ্যাপি থ্যাংকসগিভিং ডে। থ্যাংকসগিভিং ডে এক প্রিয় পর্ব হ্যায় জো হর সাল সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকা আর কানাডা মে মানায়া জাতা হ্যায়। ইয়ে আত্মচিন্তন, কৃতজ্ঞতা আর একজুটতা কা সময় হ্যায়। ইতিহাস আর পরম্পরা মে নিহিত ইয়ে দিন কেবল এক দাওয়ত সে অধিক হ্যায়। यह मानव संबंधों, सहनशीलता और जीवन की आशीषों के प्रति आभार व्यक्त करने का उत्सव है। चाहे एक समृद्ध भोजन के चारों ओर एकत्र हों या दया के कार्यों में भाग लें, थैंक्सगिविंग हमें समुदाय, कृतज्ञता और साझा करने के महत्व की याद दिलाता है। जॉर्ज चैबरिसडेल, थैंक्सगिविंग का ऐतिहासिक उद्भव। थैंक्सगिविंग की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी, जब तीर्थयात्रियों और नेटिव अमेरिकन्स ने 1621 में पहली थैंक्सगिविंग दावत के रूप में मानी जाने वाली सभा की। एक कठोर सर्दी और चुनौतीपूर्ण वर्ष के बाद तीर्थयात्रियों ने वामपानोग लोगों की सहायता से एक सफल फसल का 3 दिनों तक उत्सव मनाया। यह घटना विभिन्न संस्कृतियों के बीच सहयोग और आपसी समर्थन का प्रतीक है। 1863 में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने थैंक्सगिविंग को एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में औपचारिक रूप दिया। उन्होंने इसे नवंबर के 4th गुरुवार को मनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि विभाजन के समय में देश को एकता और कृतज्ञता के लिए प्रेरित किया जा सके। ब्रॉडशाफ, आधुनिक परंपराएं और अभ्यास। आज थैंक्सगिविंग एक ऐसा दिन बन गया है जो भोजन, परिवार और उत्सवों से भरा होता है। यह पर्व आमतौर पर एक भव्य भोजन के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, जिसमें टर्की, स्टफिंग, मसले हुए आलू, क्रैनबेरी सॉस और पंपकिन पाई शामिल होते हैं। हालांकि इसका महत्व केवल इन व्यंजनों तक सीमित नहीं है। कई लोगों के लिए थैंक्सगिविंग प्रियजनों से पुनः जुड़ने का अवसर है। परिवार और दोस्त एकत्रित होते हैं, अक्सर लंबी दूरी तय करके, और कहानियां, हंसी और कृतज्ञता साझा करते हैं। यह पर्व आत्मचिंतन का एक क्षण भी प्रदान करता है, जहां व्यक्ति स्वास्थ्य, समृद्धि, रिश्तों और अवसरों जैसी व्यक्तिगत और सामूहिक आशीषों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। थैंक्सगिविंग का एक और प्रमुख पहलू समुदाय को वापस देना है। सूप किचन में स्वयंसेवा करना, खाद्य दान में योगदान देना या जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद करना जैसे दयालुता के कार्य उदारता की भावना को दर्शाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित प्रसिद्ध मैसी, थैंक्सगिविंग डे परेड जैसे परेड पारंपरिक और समकालीन मनोरंजन को मिलाकर समुदायों को उत्सव में जोड़ते हैं। दरगारा, कृतज्ञता की भावना। थैंक्सगिविंग के मूल में कृतज्ञता का उत्सव है। एक तेज तर्रार दुनिया में यह पर्व जीवन के उपहारों को सराहने के लिए ठहरने का मौका देता है। कृतज्ञता का मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सहनशीलता, खुशी और मजबूत आपसी संबंधों को प्रोत्साहित करती है। कई लोगों के लिए थैंक्सगिविंग केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक मानसिक बदलाव को प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि दैनिक जीवन में भी आभार को कैसे अपनाएं। चाहे वह जर्नलिंग के माध्यम से हो, दूसरों के प्रति सराहना व्यक्त करने में, या खुशी के पलों को बस संजोने में, कृतज्ञता दृष्टिकोणों को बदल सकती है और पूर्णता की गहरी भावना को बढ़ावा दे सकती है। दिगावशकाच्या, विभिन्न संस्कृतियों में विविध उत्सव। डब्ल्यू थैंक्सगिविंग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मनाया जाता है, लेकिन इसके विषय वैश्विक रूप से गूंजते हैं। कई संस्कृतियों में फसल उत्सव और धन्यवाद देने के विभिन्न रूप होते हैं, जो अपनी अनूठी परंपराओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कोरिया का चुसोकास और चीन का मिड ऑटम फेस्टिवल दोनों परिवार और फसल के प्रति आभार प्रकट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में थैंक्सगिविंग देश की विविधता को भी दर्शाता है। परिवार पारंपरिक दावतों में सांस्कृतिक व्यंजन और रीति रिवाज शामिल करते हैं, स्वाद और प्रथाओं का एक सुंदर मिश्रण बनाते हैं। गाकाक्सेक्यू, चुनौतियां और विचार। हालांकि थैंक्सगिविंग एक आनंददायक अवसर है,
यह इतिहास पर विचार करने का भी समय है। तीर्थयात्रियों और नेटिव अमेरिकन्स के बीच बातचीत, जो पहली थैंक्सगिविंग की कहानियों में आदर्श रूप में प्रस्तुत की जाती है, जटिल और दुखद परिणामों से भरी थी। पिछले कुछ वर्षों में कुछ समुदायों ने थैंक्सगिविंग का उपयोग नेटिव अमेरिकन इतिहास के बारे में दूसरों को शिक्षित करने और सुलह का समर्थन करने के अवसर के रूप में किया है। निष्कर्ष: थैंक्सगिविंग डे कृतज्ञता, एकता और उदारता के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाने वाला दिन है। यह न केवल एक पर्व है, बल्कि ऐसे मूल्यों का प्रतीक है जो सार्वभौमिक रूप से अनुगूंज करते हैं। खुशियों और आभार से भरे इस पर्व पर आइए हम न केवल अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करने के अवसर के लिए भी धन्यवाद दें। हैप्पी थैंक्सगिविंग।